हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल तिल और गुड़ के लड्डू। ये एक्चुअली मेरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और उन्होंने स्पेशली मुझे बोला है कि इसमें कुछ भी नहीं डालना, ओनली तिल एंड गुड़। मैंने तो बोला था कि वेरिएशन के लिए मूंगफली डाल सकती हूँ, बट उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ तिल और गुड़ के लड्डू चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं जो बनाती हूँ वो दांतों पे चिपकते हैं, तो मैंने बोला कि आपको परफेक्ट लड्डू मैं बना के दिखाऊंगी और आप एक बार लेंगे, एक बार ऑर्डर करेंगे तो रीऑर्डर डेफिनेटली आप करेंगे। तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके तिल और गुड़ के लड्डू का ऑर्डर दिया। आप भी ये तिल और गुड़ के लड्डू बना सकते हैं। मेजरमेंट में ये हाफ के जी उन्होंने बोला है कि हाफ के जी चाहिए मुझे, तो मैंने मेजरिंग मशीन से अपने दोनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में 250 ग्राम और 250 ग्राम ले लिया। 250 ग्राम मैंने तिल लिए, ये वाइट वाले तिल है, और 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया। अब मैंने इसको गैस चला के हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया। अब ये ड्राई रोस्ट हो गए, अब इनको मैं निकाल लूँगी। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से 2 फायदे होंगे। एक तो देसी घी से इसमें चमक आ जाएगी, शाइन आ जाएगी, और सेकेंडली देसी घी से ये ज़्यादा चिपकेगा नहीं। मैंने देखिए दोस्तों गुड़ को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने से क्या होता है, हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, प्लस ये इजीली मेल्ट हो जाता है। और साथ में इसमें क्या रहता है कि जैसे गुड़ के बहुत बड़े बड़े ढेले रहते हैं, वो काटने में कूटने में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये आसानी से हमारा हो जाता है। हमको गुड़ की बनानी है चाशनी, बहुत ही ज़्यादा गर्म है अभी तिल। तो आपको ये मैं फुल प्रूफ रेसिपी दे रही हूँ, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और विंटर्स के लिए ये एक वरदान है। अब इसकी चाशनी हो जाएगी, धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाएगा। ये लड्डू इतने शानदार बनते हैं, खाने में मज़ा आ जाता है, प्लस बहुत ज़्यादा हेल्दी है। जैसे कि सबको पता है कि गुड़ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, और तिल उसे भी हेल्दी होते हैं। अब देखिए बर्गर होता है, बर्गर के ऊपर भी ये सेसमी सीड्स लगाए जाते हैं उसको थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए। अब ये जैसे जैसे मेल्ट होता जाएगा साथ में सॉफ्ट होता जाएगा। देखिए इसको लगातार चलाना, हमें 1 मिनट भी रुकना नहीं है, नहीं तो ये कढ़ाई के साथ लग जाएगा। इसको लगातार चलाते रहना हमें, अभी इसको 1 मिनट भी छोड़ना नहीं है। इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे लग जाएगा, क्योंकि ये मेल्ट हो गया है, पतला हो गया है। और सेकेंडली नीचे अगर लग जाएगा, ये नीचे हम छोड़ देंगे तो ये बॉटम पे लग जाएगा, तो उसका स्वाद एकदम डिफरेंट सा हो जाएगा, खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए इसको लगातार ऐसे स्टर करते रहना। तो ये लड्डू खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, हल्के होते हैं। यूजली मेरे ऑर्डर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू के होते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू नहीं चाहिए, मुझे अकेले तिल और गुड़ के ट्रेडिशनल टाइप के लड्डू चाहिए। तो फिर मैंने कस्टमर का ऑर्डर लेते हुए उनका हमें मान रखना चाहिए। आपको भी मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि जिसको भी जैसा भी ऑर्डर मिलता है उसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। जो भी कस्टमर चाहता है उनसे अच्छे से पूछिए कि आपको किस टाइप के लड्डू चाहिए, तो वो फिर आपको अपनी रिक्वायरमेंट बता देंगे। और गाइस अब हम क्या करेंगे, एक बूंद इसमें डाल के देखेंगे कि हमारा गुड़ मेल्ट हुआ है कि नहीं, मतलब पक गया है कि नहीं। ये पानी में डाली है मैंने, एक ड्रॉप मैंने पहले डाली थी। ये देखो पानी में डिजॉल्व नहीं हो रही, इट मीन्स गुड़ अपनी उसमें आ गया जो हमें फॉर्म चाहिए थी।
तो इस स्टेज पे अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे हम अपना सारे जितने तिल हमने वो किए थे वो तिल सब डाल देंगे इसमें। तिल डालने से अब क्या होगा, तिल भी हमारे अच्छे कुरकुरे ड्राई रोस्ट हो गए हुए हैं। अब तिल हमने इसमें डाल दिए। तिल डालने के बाद अब इसको हमने धीरे धीरे इसी में करना पकाना है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तिल के लड्डू बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप ये लड्डू खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं ये लड्डू। इसलिए ये लड्डू विंटर्स में ज़रूर खाने चाहिए। अब ये देखिए मैंने कढ़ाई से इसमें शिफ्ट कर लिया है। कढ़ाई से शिफ्ट करने के बाद हमें हाथ पे हल्का सा घी लगाना है, ग्रीस करनी है, क्योंकि ये मिक्स तो हो गया अच्छे से। अब बस जल्दी से लड्डू बांधने हैं और लड्डू गरम गरम में बांधे जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि लड्डू अगर गरम गरम में नहीं बांधेंगे तो फिर ये लड्डू हमारे बंधेंगे नहीं। अब ये मिश्रण जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म है और कस्टमर ने बोला कि उनको छोटे छोटे लड्डू चाहिए, उनको बड़े लड्डू नहीं चाहिए। वो कहती इजीली मैं मुंह में डाल सकूं। तो अभी ये गर्म है सो दैट्स वाई ये लड्डू जल्दी जल्दी बना लूँगी मैं। अगर ज़रा सा भी ये ठंडा हो गया, अभी मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा लग रहा है, अभी ये ठंडा हो गया तो फिर लड्डू की फॉर्म में नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे लड्डू बन जाएंगे। अब ये देखिए अभी ये लड्डू हमारे इजीली बन भी रहे हैं क्योंकि ये बहुत गर्म है अभी। ठीक है, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ये हमारे लड्डू बन रहे हैं। अगर हम इसको ठंडा करेंगे फिर ये बाइंड नहीं होंगे। अगर आपका मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो इसको फिर से आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि गर्म होने से गुड़ मेल्ट हो जाएगा, गुड़ मेल्ट होने से लड्डू बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एक बार मैं आपको अपने लड्डू दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इस टाइप के लड्डू बन रहे हैं। और अगर आपको मेरे लड्डू अच्छे लग रहे हैं तो आप भी प्लीज़ इसको ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।